रविवार को आरपीएफ अजनी पोस्ट के एएसआई अरुण गजभिये साथ में आरक्षक प्रवीण चौहान की ड्यूटी डी कैबिन पर अपराध की रोकथाम हेतु लगाई गई। ड्यूटी के दौरान समय करीबन 5 बजे उन्होंने आरपीएफ थाना नागपुर में सूचना दिया कि डी कैबिन से गुरुद्वारा पुलिया के मध्य केम नंबर 1041/2224 टाउन लाइन के बगल में कुछ गेहूं के बोरे गिरे हुए हैं। सूचना मिलने पर निरीक्षक नागपुर में उप निरीक्षक मनोज धायगुड़े और स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर रेलवे लाइन के किनारे गेहूं के कुल 6 बोरे मिले और डाउन लाइन के पास गेहूं के दाने बिखरे हुए मिले। सहायक उप निरीक्षक अशोक गजभिये और आरक्षक प्रवीण चौहान ने बताया कि समय करीबन 5:40 पर एक मालगाड़ी नागपुर रेलवे स्टेशन की तरफ गई थी। आसपास और गुरुद्वारे में तैनात गार्ड से पूछताछ पर जांच में पाया कि उक्त मालगाड़ी सिग्नल नहीं होने के कारण उक्त जगह पर खड़ी होने पर कुछ बाहरी लोगों ने गेहूं के बोरे मालगाड़ी में से गिराए हैं। घटना की जानकारी आरपीएफ कंट्रोल रूम को देकर मालगाड़ी के गार्ड से पूछताछ करने पर उक्त घटनास्थल पर 3-4 व्यक्तियों को देखने बाबत बताया, इसलिए मामला बुकशुदा रेल संपत्ति चोरी होने का पाया गया। इसलिए मौके पर श्वान पथक की मदद से संदिग्ध की सुराग रसी कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। उप निरीक्षक मनोज धायगुड़े ने 2 स्वतंत्र पंजों को बुलाकर उक्त घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जिसमें कुल 6 नग गेहूं के बोरे जिन पर मार्का SCSC मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMS 2021-22 मैन्युफैक्चर इन इंडिया नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर बॉल CM/L51000687888 लगा हुआ पाया। गेहूं से भरे प्रत्येक बोरे का वजन अंदाजन 50 किलोग्राम, कीमत अंदाजन 1000 रुपए। इस प्रकार सभी 6 बोरों का कुल वजन अंदाजन 300 किलोग्राम और कुल कीमत अंदाजन 6000 रुपए आकी गई को जब्ती पंचनामा के तहत जब्त किया और जब्त बुक शुदा रेल संपत्ति को आरपीएफ पोस्ट नागपुर लेकर आए और घटनास्थल में प्रथम दृष्टिया आपराधिक हस्तक्षेप होना पाया गया। इसलिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आरपीएफ थाना नागपुर में अज्ञात के खिलाफ CR नंबर 09/2021U/S03RP एक्ट बुकशुदा रेल संपत्ति के तहत मामला पंजीकृत कर मामले को जांच में लिया गया और कुल 6 गेहूं की बोरियों को मालखाना में दाखिल किया। घटनास्थल पर ASC महोदय उपस्थित हुए और DSCR/NGP को ऑल कंसर्न मैसेज बाबत बताया। मामले की जांच में दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को संलिप्त आरोपी को 3 चोरी की गेहूं के साथ गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और अन्य फरार आरोपियों की सुराग रस्सी जारी है। दिनांक 14/10/2021 को मंगलवारी पुलिया गुरुद्वारा के पास में एक मालगाड़ी खड़ी थी सिग्नल नहीं होने की वजह से, उसमें से कुल 9 बोरी गेहूं चोरी होने का हमें सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार हमने स्पॉट विजिट किया तो वहां से 9 बोरी गेहूं के हमने सीज किया और गाड़ी का पता लगाया कि गाड़ी कहां जा रही है, तो वो अजनी जा रही थी। अजनी FCI में उसका पता किया, चेक करने पर उसे 9 बोरी गेहूं के कम भी मिले और आसपास से पूछताछ करने पर दिनांक 20/10/2021 को उसमें आरोपी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम था धीरज अमर साहू, उम्र 22 वर्ष, मावड़ा कॉलोनी जरीपटका नागपुर का रहने वाला है। और इसमें एक आरोपी और है जो मेन आरोपी है जो अभी फरार है। इनका क्राइम करने का तरीका है कि जब गाड़ी सिग्नल नहीं होने के कारण रुकती है तो वो सील तोड़कर वैगन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से माल गिरा देते हैं, ऐसा इसमें हमारे जाँच में सामने आया है। और अभी जो फरार आरोपी है उसकी सुराग रस्सी जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।